जी हाँ दोस्तों हमारे YouTube चैनल सुपर एक्सलामेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है आज हम यहाँ जनरल एबिलिटी टेस्ट का फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके आने वाले अगले एग्जामिनेशन एन डी एंड सी डी एस का सेकेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा तो आइए दोस्तों बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर एक देखिए दोस्तों द फिलेंट ऑफ ए लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ मतलब विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है जो किसका बना होता है ऑप्शन ए प्लेटिनम ऑप्शन बी टेंटेलियम ऑप्शन सी टंगस्टन ऑप्शन डी एंटीमनी तो इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट बल्ब का फिलामेंट होता है जो दोस्तों टंगस्टन का बना होता है इसलिए क्वेश्चन नंबर एक का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दी फ्लोइंग इज फॉल्स मतलब निम्नलिखित में कौन एक गलत है साउंड वेव्स आर डोडोट वेव्स मतलब साउंड वेव्स साउंड वेव्स कौन कौन सा वेव्स हो सकता है ऑप्शन ए प्रेशर वेव्स ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्शन डी मैकेनिकल वेव तो साउंड वेव है जो दोस्तों प्रेशर वेव भी हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकता है मैकेनिकल वेव भी हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकता है. इसलिए क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह है जो कि फॉल्स है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्ड लाइट हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है ऑप्शन ए ग्रीन ऑप्शन बी ब्लू ऑप्शन सी रेड ऑप्शन डी वायलेट तो तरंगधैज किसका सबसे अधिक होता है तरंगधैज लाल रंग का सबसे अधिक होता है तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति सबसे कम किसका होगा रेड कलर का है। इसलिए क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर चार देखिए द पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज मतलब भू स्थिर उपग्रह कृत्रिम भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल काल कितना होता है ऑप्शन ए आठ घंटा ऑप्शन बी बारह घंटा ऑप्शन सी चौबीस घंटा ऑप्शन डी छियालीस घंटा तो आपका आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का पीरियड होता है तो चौबीस घंटा होता है इसलिए क्वेश्चन नंबर चार का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर पांच देखिए विच ग्लासेज और लेंस आर ईज टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेड आई इफेक्ट मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं ग्लासेस का प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए है, कनकेव लेंस ऑप्शन बी कन्वेक्स लेंस ऑप्शन सी बाइपोलर लेंस ऑप्शन डी नन ऑफ द ए कनकेव लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस और कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं यानी कि कनकेव लेंस इसलिए क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर छ देखिए इन प्रोजेक्टर्स बीच लेंसेज आर ईस्ड मतलब प्रोजेक्टर में किस लेंस का प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस ऑप्शन बी कन्केव लेंस ऑप्शन सी बाइपोलर लेंस ऑप्शन डी बोथ ए और बी मतलब कन्वेक्स और कनकेव दोनों तो प्रोजेक्टर में उत्तर लेंस के चश्मे का प्रयोग उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर छः का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है उत्तर लेंस अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए ड्यू टू हिच फिनोमिना दी स्टिक इफ इमर्ज इन वाटर एपियस टू बी वेंट मतलब जब पानी में छड़ी को डुबाया जाता है तो छड़ी उठा हुआ दिखाई देता है किसके कारण ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑप्शन बी डिस्पर्सन ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन ऑप्शन डी स्कैटरिंग। तो यह अपवर्तन के कारण होता है यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण होता है इसलिए क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर एट देखिए ड्यू टू विच फिनोमिना लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम ए सिनेमा मशीन स्प्रेड वाइड ऑन स्क्रीन ऑप्शन ए डिस्पर्सन ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन तो आप आपका डिफ्रे डिफ्रैक्शन के कारण होता है क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर होगा इसलिए क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अब क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए डेंटल मिल डेंटल मिरर इज व्हाट टाइप ऑफ ए मिरर ऑप्शन ए कन्वेक्स मिरर ऑप्शन बी कन्केव मिरर मिरर ऑप्शन सी प्लेन मिरर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी तो डेंटल मिरर है जो दोनों होता है कनकेव और प्लेन दोनों इसलिए क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा अब क्वेश्चन नंबर टेन देखिए टाइप ऑफ ए मिरर इज यूज इन एंटी लिफ्टिंग डिवाइस एंटी सॉपलिफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए कनकेव मिरर ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर ऑप्शन सी प्लेन मिरर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी व तो एंटी सॉप लिफ्टिंग डिवाइस में कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं इसलिए क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इम्पोर्टेंट हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हिंद दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं